साई हॉस्पिटल हर महीने की 1 से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कुछ कर्मचारी और नर्स का अस्पताल परिसर में डीजे की धुन में ठुमके लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि अस्पताल परिसर में ही कर्मचारी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। डीजे के धुन में थिरकने के दौरान महिला कर्मियों को भी हाथ पकड़कर जबरदस्ती डांस करवा रहे हैं। सोशल मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि यह डांस गणतंत्र दिवस 2022 का वीडियो है। एक तरफ गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां पूरा देश झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय गान से शहीदों को नमन कर रहे थे, वहीं उस दौरान किशनगंज स्वास्थ्य विभाग कर्मी सरकारी स्वास्थ्य संस्था में डीजे बजाकर फिल्मी गाने के धुन पर डांस कर रहे थे। हालांकि एमके न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करके वैश्विक महामारी कोरोना काल में जहां स्वास्थ्य विभाग दमखम लगाकर कोरोना वायरस पर काबू पाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल कर्मियों की गणतंत्र दिवस के मौके पर फिल्मी गाने पर ठुमके लगाना माफी योग्य नहीं है। ऐसा कर्मियों पर जांच के बाद कार्रवाई की मांग किया गया। उधर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर कौशल किशोर प्रसाद ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर उन्हें जांच का जिम्मा सौंपा है। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान डांस करने वाले कर्मियों की पहचान कर वीडियो की जांच की जाएगी, वहीं वीडियो के सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान है। गणतंत्र दिवस समारोह भारत का राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर डीजे पर फिल्मी गानों पर ठुमके लगाना सरासर अनैतिक है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हों उनके खिलाफ जांच समिति गठित करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। में जहां मरीजों का इलाज होता है वहां डीजे बजाना ऐसे भी गैरकानूनी है, एक अपराध है, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसा करना और भी आपत्तिजनक हो जाता है। इसलिए अविलंब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे लोगों के सामने एक नज़ीर स्थापित हो, लोग इस तरह की हरकत करने से पहले सोचें। मेरे संज्ञान में आया है, हमने जांच कमेटी गठन किया है 3 आदमी का, उसमें ACO साहब हैं, DIO साहब हैं, CDO साहब हैं, ये तीनों मिलकर जांच करेंगे, जैसा रहेगा उस विधि सम्मत कार्रवाई की। इसके लिए जांच कमेटी बनाया जा रहा है कि बात क्या है, सही बात की जानकारी होने के बाद बिना जांच कमेटी का कैसे। कोशी हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल के सामने आरा मिल रोड प्रतापगंज सुपौल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ 20 बेड की सुविधा के साथ गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली, पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी, किडनी स्टोन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया का ऑपरेशन कुशल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ नवजात शिशु के लिए NICU यानी शीशे में रखने की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के साथ अस्पताल से 12 किलोमीटर तक के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस की फ्री सुविधा दी जाती है। आज ही संपर्क करें, नंबर है 7549279409 और 9546150746।